कोलकाता में आखिरी रात ईडन गार्डन स्टेडियम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद अब हम कैब में जा रहे हैं और होटल जाएंगे, और रास्ते में मैं आपको बताता रहूँगा जहाँ जहाँ से गुजरेंगे। हमारी ये लास्ट नाइट है मेरी कोलकाता में, और मेरा बड़ा अच्छा सफ़र रहा है, बहुत वंडरफुल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का। इस बार चार शहरों में मैं गया हूँ पाकिस्तान टीम के साथ साथ, जो मैचेस थे वो मैंने कवर किए, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, और बहुत वंडरफुल। ये देखें ईडन गार्डन कलकत्ता से अब हम रवाना हो गए हैं। ये बड़ा तारीखी ग्राउंड था और ये ख्वाहिश थी कि इसको विटनेस करें, पता नहीं आगे ज़िंदगी रहती है नहीं रहती, कब यहाँ पर आना हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, इट्स वंडरफुल। और ये अब हम ये भाई के साथ जा रहे हैं, और मैं आपके साथ ये विजुअल्स भी लास्ट नाइट के शेयर करूँगा। ये देखें जी, जगमगाता कोलकाता। कल भी हम रात को यहाँ से गुजरे थे तो लाइट्स थी, ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था, रात को स्टेडियम के बाहर बहुत ज़्यादा लोग जमा थे। अब हम जा रहे हैं टीम होटल की तरफ, पहले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम अपने होटल चले जाएंगे। आज बांग्लादेश की टीम बहुत मायूस होगी, बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा मायूस थे, क्योंकि उनकी टीम को आज शिकस्त हुई है। और अब वो ये देखें जी, ज़बरदस्त लाइटनिंग है, मेरे सराउंडिंग्स के अंदर मैं रात को देख रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स थी। मैंने रात को सोचा था कि मैं ये दोनों साइड्स के ऊपर कार पार्किंग है और ये ग्राउंड्स हैं, ये मेरे इस साइड के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर भी। ये देखें जी, ज़बरदस्त लाइटनिंग है, ग्रीनरी है, वंडरफुल। ये जर्नी है टुवर्ड्स JW मैरियट, और उसके बाद फिर हम अपने होटल जाएंगे। डिनर हमने नहीं किया, डिनर हम जाकर करेंगे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है रोड साइड। बड़ी अच्छी हमारी गपशप रही यहाँ पर भी लोगों के साथ, बड़ा अच्छी मेहमान नवाजी लोगों की तरफ से हमें यहाँ पर भी मिली। ऑल ओवर जो हमारी जर्नी है उसमें बड़ा अच्छा वार्म वेलकम लोगों की तरफ से किया गया। मैंने इस जो एम्बेसडर गाड़ी है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो शूट किया था, और अभी रात हो गई है काफ़ी, हम स्टेडियम से बड़े। ये बिल्डिंग कौन सी है, व्हाट दिस? विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या है ये? विक्टोरिया ये पहले का कुछ राजा महाराजा लोग, विक्टोरिया रानी का फोटो है। ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लाइटनिंग के बाद तो ये और ज़्यादा, ये हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, बहुत पुरानी प्लेसेस हैं। ये बहुत पुराना शहर है कोलकाता, ये पहले इंडिया का कैपिटल हुआ करता था दिल्ली से पहले, और ये देखें बड़े अच्छे
इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, ये उसका एंट्रेंस है। अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखें, ये देखें जी, आपको ये व्यू नज़र आएगा इस हिस्टोरिक बिल्डिंग का, इधर से भी आपको मिलेगा वो व्यू। हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इन तमाम प्लेस का विज़िट कर सकें, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त कि हमने चलें ये विटनेस किया, देख लिया। आपको इसका अपर एज नज़र आ रहा होगा, वो देखें, ये इधर भी बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं। ये हम इसका टिकट होता है, रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, उसके अंदर जाने के लिए कुछ और टिकट। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने का ही जगह। अच्छा, 1500 सिर्फ एंट्रेंस की है? नहीं नहीं, 50 दिन पहले की बात है, 2 साल पहले का, तो अभी हो गए तो 100 हो गया। वो सब रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, पार्क टाइप का है, घूमने का वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल, सुबह मॉर्निंग में हम जा सकते हैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठें तो। हाँ तो बस अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठें, मैं शाम 6:05 पे। नहीं, आपके साथ ही निकल जाएंगे ना। नहीं नहीं, बाय ट्रेन है मेरी, मैं कल ट्रेन में ट्रैवल करूंगा, वो जर्नी भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये जो मेरे और कुलीग्स हैं, साथी हैं, इनकी फ़्लाइट्स हैं सबकी, और मैं ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा हूं। मैं ट्रेन की जर्नी भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इंडिया की जो ट्रेन है वो बड़ी फंटेस्टिक ट्रेन हैं, लेकिन टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल। यहाँ पर वेकेशंस हैं, कोई त्यौहार चल रहे हैं, दिवाली भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल से टिकट मिला है, और हम ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं होता, तो इसलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी से, तो वो फिर टिकट इशू करवा देते हैं, तो फिर हम उनको जो भी है वो पे बैक कर देते हैं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से तो हम गुजरे हैं, लेकिन ऊपर से हमारा ये फर्स्ट टाइम है इस ब्रिज से। लेकिन जी बहुत ज़बरदस्त टूर रहा कोलकाता का, फैंटास्टिक, ज़्यादा प्लेसेस हम विज़िट नहीं कर सके, मैचेस के लिए आए हुए थे तो टाइम बड़ा शॉर्ट था हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ें विजुलाइज करूं और एज अ मेमोरी उसको मैं अपने पास रखूं। ये बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं इंसान की ज़िंदगी की, पता नहीं फिर कब आना हो, आ सकें या ना आ सकें। 2012 में, 2012 में यहाँ पर आया था, 11 ईयर्स बैक, और अब मौका मिला 11 साल के बाद, अब पता नहीं कब मौका मिले। अगर कभी इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हुई तो उसमें हमें चांस मिल सकता है आने का, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। लव टू बी हेयर टू विटनेस द क्रिकेट, और यहाँ के जो स्टेडियम्स हैं उसमें मैच देखने का मज़ा ही कुछ और है। क्राउड बड़ा सपोर्टिव है, बड़ा नॉलेजेबल क्राउड है, बहुत नॉलेज है यहाँ के क्राउड को, यहाँ पे जो क्रिकेट फैंस हैं उनका क्रिकेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं जिससे मिलता हूँ वो इट्सेल्फ क्रिकेट की एक इंसाइक्लोपीडिया होता है, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, लोगों से मिल के भी बहुत अच्छा लगा,
लोगों की मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया, रियली थैंकफुल टू यू। बार बार ये कहना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं ज़रा घूम रहा हूँ क्योंकि लास्ट नाइट है, तो सोचा है कि ज़रा घूमा जाए लेट नाइट तक। बाहर मैं अभी आउटिंग के लिए भी जाऊँगा, हैवी बाइक्स भी आपको नज़र आएंगी, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल इलाका, ये तकरीबन सेम रोड्स हैं, हम इसी रूट के ऊपर जाते हैं। लेकिन आज स्पेशल इसलिए है कि आज लास्ट नाइट है और सुबह कल मूवमेंट है कलकत्ता से फॉर द नेक्स्ट जर्नी। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं मीटअप के लिए, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरा कॉन्टैक्ट और मेरी आईडी के ऊपर मुझे मुलाकात के लिए कहा है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं मुलाकात नहीं कर पाया। ये लोगों की मोहब्बत है। हमारी कलकत्ता की जर्नी अब ख़त्म हुई और पीछे मैंने देखा कि ट्रैम का ट्रैक भी था और बसेस के गुजरने का रास्ता भी था, वॉक भी लोग कर रहे थे। इनसाइड कलकत्ता हम ज़्यादा घूमे फिरे क्योंकि हमारा जो रेडियस था वो स्टेडियम और हमारी अप्रोच में था, यही ज़्यादातर इलाका, हम ज़्यादा कहीं पर जा नहीं सके। लेकिन जहाँ जहाँ गए हम बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मोहब्बत मिली हमें। और ये हमारी कलकत्ता की अब जर्नी ख़त्म होगी। मैंने आपके साथ डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट विजुअल्स शेयर किए हैं। तमाम उन लोगों के कमेंट्स भी बिल्कुल मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो हर वीडियो के नीचे जिन भाइयों ने, दोस्तों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने जैसे भी कमेंट्स किए हैं, वो ज़रूर मैं पढूंगा। और एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा गेन किया है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत समेटी है यहाँ पर, और मज़ीद मोहब्बत मिलेगी, मज़ीद मोहब्बत मिल रही है लोगों से। सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा इंडिविजुअली, सबके नाम लेकर मैं वीडियो के अंदर आइंदा दिनों में आपसे मुखातिब होऊंगा। क्योंकि इस वक्त हम ट्रैवलिंग में हैं पाकिस्तान टीम के साथ, तो इसलिए इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं कमेंट्स को इन फॉर्म, एक पेपर की फॉर्म में लेकर आऊं और सारे कमेंट्स पढूं, क्योंकि थाउजेंड ऑफ कमेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियोज़ के नीचे आए हुए हैं। सबके बड़े पॉजिटिव कमेंट्स हैं, जिन लोगों ने
अपने व्यूज़ का, अपनी ओपिनियन का इज़हार किया है, उनकी ओपिनियन का भी मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट, हर किसी की अपनी एक ओपिनियन होती है, हर किसी के अपने एक थॉट्स होते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो असल में फ़ोन बज रहा था तो इसलिए मैंने पॉज दे दिया। मैं समझता हूँ कि हर किसी की अपनी एक ओपिनियन होती है और हर किसी का एक अपना राइट है कि वो उस राइट के ज़रिए जो भी कहना चाहे वो कह सकता है। राइट टू एक्सप्रेस, इसको हम कह सकते हैं कि बड़े अच्छे कमेंट्स भी हैं, लोगों ने लव के मैसेजेस भी मुझे किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे गाइड किया है कि आप इधर जाएं, आप इस ट्रेन में ट्रेवल करें, आप इस प्लेस को विज़िट करें। लेकिन आई एम सॉरी कि मैं वो तमाम प्लेसेस का विज़िट नहीं कर सका, शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं कर सका, नहीं जा सका। अगली बार कभी जब आऊँगा कलकत्ता तो ज़रूर विज़िट करूँगा और उसको भी मैं वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन मेरा आपके साथ कॉन्टेक्ट बरकरार रहेगा, एक प्यार का रिश्ता है वो हमारा ज़रूर रहेगा। मैं इन कॉन्टेक्ट, जिन लोगों ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया है, मैं उनके साथ भी इन कॉन्टेक्ट रहूँगा। ये मेरी लास्ट नाइट है कोलकाता में और मैंने आपको पूरा व्यू, हम पहले स्टेडियम थे, स्टेडियम से हम JW मैरियट गए जहाँ पर टीम ठहरी हुई है, उसके बाद अब हम जहाँ पे हम जिस होटल में हैं हम वहाँ पे जा रहे हैं। सारे व्यूज़ आप देखेंगे, शहर जगमगा रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है रात के इस पहर कोलकाता की सैर करने का, और बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। सेंट जॉन्स गर्ल्स हाई स्कूल भी है, बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हमने देखी हैं। ये कहते हैं कि बहुत बड़ा कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन कोलकाता। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सका, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब्बास शबीर को कोलकाता से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगेबान, और गुड नाइट ऑल द फ्रेंड्स, एंड अगेन थैंक्स आपके वार्म वेलकम का, आपके अच्छे मैसेजेस का, अल्लाह निगेबान।